सो हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। जिस गेम के बारे में बात करने वाला हूँ ऑन स्क्रीन आप देख ही सकते हैं। गेम काफ़ी स्पेशल है और वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। इसी बात पर लाइक भी स्पेशल होनी चाहिए गाइस। लाइक की टारगेट ज़्यादा नहीं, 50 लाइक के रखता हूँ। और चैनल पे न्यू आया तो प्लीज़ लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और न्यू गेम का सीरीज़ जिस तरह मैं ला रहा हूँ, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलिए छोटी से इंट्रो के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के। सो हे गाइस, जिस गेम का नाम है इनलिस्टेड, अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है, बट ये अभी गेम बेटा में बहुत सारे स्ट्रीमर्स को खेलना पसंद भी कर रहे हैं। कुछ बग देखने को मिल सकता है क्योंकि ये टेस्ट वर्जन में है अभी, और जब ये गेम ऑफिशियली रिलीज़ होगा डैम श्योर ये बहुत ही मस्त होगा। तो चलिए अब देखते हैं कैसे इसको गेम को क्लेम करते हैं, डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले आप क्रोम में जाकर आप सर्च करिए इनलिस्टेड। ये अलग साइट्स, न्यू साइट्स जो बने इस गेम के लिए, तो जैसे सर्च करते हैं इनलिस्टेड, फिर इसमें फर्स्ट वन में क्लिक कर देते हैं। फिर देख सकते हैं डायरेक्ट प्ले नाउ में आप क्लिक ये आ रहा है। इसको पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट में बात करेंगे। पहले आप देख सकते हैं ये ओपन बेटा टेस्ट में है। जैसे आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड वॉर 2 का ये बेस्ड गेम है। इसको आप मल्टीप्लेयर भी आराम से खेल सकते हैं। अभी बहुत ही अच्छी तरीक़े से मैंने खेला है इसको, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। चलिए देख लेते हैं इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है। आप देख सकते हैं विंडोज 64 बिट तो होना चाहिए, ये 7, 8, 10 कोई भी हो, और i3 कंफर्म होना चाहिए, और 8 GB रैम भी मिनिमम होना चाहिए, और ग्राफिक्स कार्ड भी चाहिए क्योंकि 660 GeForce का मिनिमम ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, तब आप गेम अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, और 12 GB आपका साइज़ चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। तो देख सकते हैं न्यू, जैसे PlayStation 5, Xbox 10 ये सब में ही चलेंगे, उसके पहले वाला में नहीं चलने वाला। तो चलते हैं इस गेम को डाउनलोड करते हैं। आपको प्ले नाउ में क्लिक करना है एकदम सिंपली, फिर आपको इसमें भी प्ले डाउनलोड नाउ में क्लिक कर देना है। फिर आपको कुछ सेकंड बाद यहाँ पर 5 MB का कुछ ये डाउनलोड आ जाएगा ऐप। अब देख सकते हैं साइड में ये आ चुका है। तो चलते हैं डाउनलोड सेशन में, ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका है इसलिए कैंसिल कर देता हूँ। अब देख सकते हैं सो फोल्डर में देख सकते हैं इनलिस्टेड लॉन्चर बोल के ये आ जाएगा ये ऐप लॉन्चर। फिर आपको इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। मैं इंस्टॉल का प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ कि कैसा ये लगे दिखता है। तो जब इसका आपको लॉग इन करने के बाद साइनअप करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, फिर आपका ये ऐसा सीन आपका दिखा देगा कि 15 GB का ये साइज है इस गेम का, काफ़ी कमाल का ग्राफिक्स है। 15 GB का ये फाइल साइज, आपका नेट अच्छा खासा स्पीड इसमें देने वाला है, जैसे मेरा 7 MBPS तक चला जाता है आराम से, उसी तरह आपका चला जाएगा। तो चलते इस गेम के गेम प्ले देखते कि किस तरह आप ओपन करते हैं इस गेम को। देख सकते डाउनलोड मेरे फाइनली कंप्लीट हो चुका है। आपको प्लेन प्ले करने के बाद डायरेक्ट एंटी चीट ये सब एक्ट ईजी कुछ लेगा। तो ये कुछ सेकंड लेने के बाद आपको डायरेक्ट जैसे लॉगिन मांगेगा तो लॉगिन आपको दे देना है। मैं आपको लोडिंग सीन आपको कट करके दिखा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और इसमें काफ़ी सारे अपडेट आ भी चुके हैं इसलिए मुझे उतना कुछ बग देखने को नहीं मिला था। और डायरेक्ट आप स्टार्ट करके या मल्टीप्लेयर का ऑप्शन भी आप खेल सकते हैं, स्क्वाड के साथ खेल सकते हैं, काफ़ी कमाल का है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूले, तो इसी तरह मुझे पता चलते रहेगा कि आप लोगों को न्यू सीरीज़ का गेम आपको पसंद आ रहा है। और अब ग्राफिक्स क्वालिटी आप देख सकते हो तो काफ़ी कमाल की, थोड़ा रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम के वजह से ही मेरा ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लैग दिख रहा है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिक्वायरमेंट पूरा है इस गेम के लिए, मेरा काफ़ी स्मूथ चल रहा है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड थैंक यू वॉच करने के लिए। बाय बाय।